sir, rule number 2, 110 and 238, 1 and 2, to be read together, both the rules, 110 and 238, 1 and 2. Sir, having said that, today the discussion begins so beautifully from this side by Honorable former Finance Minister Chidambaram ji, and from that side, the first time I heard Mahesh Jethmalani ji. Look at the vitiation towards the end of the debate. We are passing a legislature. और अगर उस पर प्लीज मैंने प्लीज यहाँ जी प्लीज आप से प्लीज यहाँ जी एक मिनट मैंने पढ़ लिया मैंने आपने 110 का रेफर किया था मैंने पढ़ा आपका इंटेंशन समझा माननीय सदस्यगण मैं शुरू से सबसे निवेदन करता रहा हूं कि आप बिल पर बोलें आप सबसे लेकिन क्या स्थिति हो रही है मैं आप समझ गया प्लीज सर कोई भी घटना हुई हो कश्मीर में या गोधरा में या गुजरात में या दिल्ली में हम सब सामूहिक रूप से उसके लिए दोषी हैं आप दोषी नो आपस में कोई डिबेट नहीं यहां पे कोई डिबेट नहीं नो प्लीज माननीय गृह मंत्री जी का जवाब प्लीज माननीय गृह मंत्री जी मान्यवर उन्होंने पूरा भाषण शायद रुद्रलाल जी का नहीं सुना है रुद्रलाल जी ने तर्कहीन बात नहीं रखी उन्होंने पीछे पूरी प्रक्रिया समझाई कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं उन्होंने कहा 60 लोगों को जिस जघन्य कांड के अंदर जिंदा जला दिया उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास उस वक्त के तत्कालीन रेलवे मंत्री ने एक सुप्रीम कोर्ट के चयनित किए हुए जज का जांच आयोग चल रहा है फिर भी रेलवे एक्ट का उपयोग कर एक कमिटी रेलवे एक्ट के तहत बनाई और ऐसा तारण वो कमिटी ने दिया कि वो एक्सीडेंट था वो षड्यंत्र नहीं था जिस तारण को माननीय सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया मन इसलिए उन्होंने कहा है कि उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास किया है ये जो कमिटी बनी थी इसमें अब कोई राय नहीं हो रही है सर्वोच्च अदालत का जजमेंट है वो 60 लोगों को मारने वालों को बचाने का एक प्रयास था वो श्री रुद्रलाल जी कहना चाहते थे और इसमें सामूहिक जिम्मेदारी नहीं आ सकती मंत्री जी आपका जवाब प्लीज बिल पर माननीय मंत्री जी का जवाब प्लीज प्लीज प्लीज